नमस्कार, आप देख रहे हैं सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल UP24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ दीक्षा कुलश्रेष्ठ। फिरोजाबाद में खाकसारों द्वारा गणतंत्र दिवस पर शहीदों को याद करते हुए झांकियां निकाली गईं, जिसमें सभी धर्मों के शहीदों की कुर्बानी को याद किया गया और बताया गया हम सभी शहीदों की कुर्बानी को हमेशा याद रखेंगे और उनका सम्मान करेंगे। ऐसा है कि आप लोगों का बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। हम जैसे छोटे खाकसार के गणतंत्र दिवस के प्रोग्राम में आप लोग तशरीफ लाए और इतने चैलेंज हमारे सामने खड़े हुए हैं, ये बड़ी बात है। देखिए, कोई किसी तरीके से देश की सेवा कर रहा है, कोई किसी तरीके से कर रहा है, कोई अपनी माध्यम से खबर पहुंचा के लोगों तक, लोगों को जगाने का काम कर रहा है। हम जो है परेड करके लोगों को जगाने का काम कर रहे हैं, शहीदों के डोले निकाल के ये बताने का काम कर रहे हैं कि आओ हम सब मिलके शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करें जिन्होंने अपनी शादी को नहीं अहमियत दी, आजादी को अहमियत दी। माँ बाप और परिवार को अहमियत नहीं दी लेकिन आजादी को अहमियत दी, इसलिए आज वो लोग शहीद है, उनका नाम है। अच्छा, हजारों लोग जिंदा रहते मर जाते कोई जानता भी नहीं, लेकिन जो लोग देश के लिए कुर्बानी देते हैं उनका नाम हमेशा अमर हो जाता है। हमारे यहाँ तो ये कह दिया गया कुरान के अंदर कि शहीदों को मरा हुआ मत कहो, हम दुनिया में खाना पानी उन्हें भेजते हैं, तो हम तो इसी उद्देश्य से निकालते हैं। हमारे यहाँ जो शहीदों के चित्र चल रहे हैं उसमें हिंदू भाई भी, सरदार भाई भी और जो है मुस्लिम भाई भी, सबने कुर्बानी दी, गोरे लोगों को भगाया, देश को आजाद कराया। आज हम सब लोग ऐश कर रहे हैं और आगे भी ऐश करेंगे, लेकिन ये है कि लोग याद रखते रहे कि कुर्बानी का मकसद क्या है। और तो शहीद चौक से हम लोग इस जुलूस को निकालते हैं। हमारी संस्था का नाम है अखिल भारतीय तहरीक खाकसारान हक। हमें संस्था ने ये आदेश दिया है कि आप सब लोग मिलके शहीदों के डोले सजा के जुलूस को निकालो और शहर में जिस जिले में आप लोग हैं वहाँ ये संदेश दो कि हम सब लोग मिलकर।